शिवपुरी जिला मुख्यालय में पैर पसार चुके ड्रंक्स के कारोबार के चलते एक युवती की मौत से समाज सेवी संस्था के बैनर तले लोगों ने मैदान में उतरकर इस कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाजपा नेता जयवर्धन शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, पर ज्ञापन लेने SDM आई तो लोगों ने कलेक्टर के बारे में पूछा और लौटा दिया। इसके बाद अपर कलेक्टर बड़ोदिया आए, तब उन्हें ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि NIA, IB, DSP आदि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, नार्कोटिक्स विभाग और ड्रग्स कंट्रोल भी अपनी विभागीय कार्रवाई करे। एक बार ड्रग्स पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में सभी विभागों को मिलाकर एक स्क्वाड का अलग से गठन किया जाए, जिसकी हर सप्ताह निश्चित दिन समीक्षा बैठक रखी जाए। नशे के कारोबार में शामिल पुलिस कर्मियों की गोपनीय जांच कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे। शहर के सभी 39 वार्डों में, तहसीलों, गाँवों में इसमें बिक रही है। शिवपुरी से देवे सेन की रिपोर्ट। अभी 2-3 दिवस पूर्व शिवपुरी में स्मैक के ओवरडोज के कारण से एक लड़की की मृत्यु हुई है, उसमें 6 लोगों पर FIR हुई है। उसकी दादी ने जिन लोगों के नाम बताए उसमें जानबूझकर सिर्फ एक पुलिस कर्मचारी को छोड़कर शेष पर बगैर जांच के ही हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। हमारा यह मांग है कि उन पर भी FIR दर्ज हो, फिर रिमांड पर लेकर जाँच की जाए। दूसरा, इस शहर में जो माफिया जो करोड़ों रुपये की स्मैक शिवपुरी शहर में और शिवपुरी जिले के गाँव में चप्पे चप्पे पर सभी वार्डों में अपने हैंडलर्स के द्वारा उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पर ठोस और परिणाम दी जाने वाली कार्रवाई की जाए। क्या आप मानते हैं कि पुलिस के संरक्षण या फिर किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण इसमें का काला कारोबार चल रहा है? आज मुझे बेहद निराशा हुई है, जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय शिवपुरी में होने के बाद भी हाजिर नहीं है। तो आप कल्पना करिए, जब जिले के मुखिया ने इसको जिम्मेदारी से नहीं लिया, जन सुनवाई में लोग अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं, तो पुलिस तो वसूली के लिए कुख्यात है ही। आपको लगता है इसके लिए मुखबिर नहीं होंगे, लेकिन उनको कितना सीरियसली लिया जा रहा है ये सोचने वाली बात है। पुलिस अभी भी अगर सीरियस नहीं लेती है तो ये जो परेशानी है ये हर आम और खास की हमारे और आपके सबके बच्चे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ और एक माँ भी हूँ। अगर मैडम यहाँ नहीं है तो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि वो एक माँ भी हैं और एक बहुत बड़ी अधिकारी भी हैं जिले की, और उनका ये कर्तव्य था कि उन्हें यहाँ रहना चाहिए था। और अगर नहीं है और ये कागज उन तक पहुँचाए जा रहे हैं तो बहुत सख्ती से उनको इस पे कठोर कार्रवाई करनी ही चाहिए। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरा जो है अधिकार क्षेत्र वो आप मीडिया कर्मियों का बनता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी पावर है। हमारा जो सहयोग है और हमारी जो उम्मीद है वो आप लोगों से बहुत बड़ी है, क्योंकि आप जन जन तक हमारी बात को पहुँचा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक